आइए जी बीफ की रेसिपी सुनते हैं जी। आगा अली, कैसे पकाया आपने, इसकी रेसिपी बताइएगा बगैर इधर उधर जाए बगैर। ये बहुत सीरियस बात है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं दो बातें बताना चाहूँगा ये दो मिनट लेके। एक तो ये कि हम एक एपिसोड में आए थे मैं और सारा, और हमारा एक कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें फ्रिज आपका हुआ था कॉम्पिटिशन था। वो फ्रिज मेरे घर पहुँच गया है, सो आई एक्चुअली वांटेड टू थैंक यार वाई फॉर दैट। बहुत सारे टीवी शोज में क्या होता है, हम लोग आते हैं बड़ी चीजों के लिए, हम लड़ते झगड़ते हैं पर अपना चेक लेके चले जाते हैं, बाकी सब झूठ होता है। पर इधर इधर इस प्लेटफॉर्म पे झूठ नहीं होता है। हमने वो फ्रिज देखा है, हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं एंड इट्स अ वेरी प्रीटी फ्रिज, सो थैंक यू गाइज। और दूसरी बात यह कि अल्लाह की कसम है ये बिरयानी मैंने खुद बनाई है। मैंने इससे पहले कभी लाइफ में नहीं बनाई थी, पर आज मैंने बनाई है तो मैं बता सकता हूँ। उन्हें बहुत जल्दी देखे मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखें मुझे जो चीजें दी गई थी मैंने तो उनका ही बनाया है, लेकिन अगर आप लोगों के पास आधा किलो गोश्त है तो बड़ा सिंपल तरीका है कि आप लोग पहले प्याज ब्राउन करें, ठीक है। अगर आपके पास इतने प्याज हैं तो आप उन्हें ब्राउन करके उसमें से इतने अलग कर दें और इतने रहने दें अंदर। ओके ओके, फिर सही बता रहा हूँ, तो ऐसे ही बता रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं कहा, बताएं। उसके अंदर आप टमाटर काटें, टमाटर दो तीन ले लें आप, अगर इतने प्यासे तो, और दो तीन टमाटर काट के वो भी उसमें डाल दें, और थोड़ी सी हरी मिर्च भी उसमें डाल दें, और नमक मिर्च गरम मसाला पिसा हुआ धनिया इलायची और आलू बुखारा आपा सॉरी अगर कुछ रह गया हो तो वो भी उसमें डाल दें, और फिर उसको अच्छी तरह से, आपने हल्दी भी डाली, एक हल्दी 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 हल्की सी हल्दी भी डालें, ठीक है। और उसको मिक्स करें, मिक्स करें, तो पेस्ट सा बन जाएगा। अच्छा। और उस पेस्ट के बनने के बाद अब उसमें अपना बीफ डाल दें, और बीफ डालने के बाद आप बीफ डाल दें, और फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा भूने 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 भूने। अगर आपका प्याज कम हो तो आप थोड़ा सा बाद में भी डाल सकते हैं जैसे मैंने डाला। और फिर क्या करें, इट इज गोइंग टू बी वन डिलीशियस बिरयानी कसम से। अच्छा, अच्छा उसके बाद इसे भूने, जितनी देर में ये भुन रहा है आप एक दूसरे अपने चावल भिगो लें, वेरी इंपॉर्टेंट, चावल भिगो लें, चावल भीगे हुए भीगे भीगा भीगा सा जो चावल होगा उसको आप डाल दें, पानी उबलने के लिए रख दें, और उसमें आप फिर चावल डाल दें, और उसमें ये अजीब अजीब सी चीजें हैं, ये जंगलों से मिलती हैं, ये पता नहीं कौन सी जो भी है, क्या कहते हैं आप बताएं, पत्ता, कौन सा पत्ता, पत्ता पत्ता तेज तेज पत्ता तेज तेज पात तेज पात। हाँ, ओके। अच्छा। ये तेज पात और बताएं, और ये ऑल दी अदर पात, ये क्या है, ये सितारा गरम मसाला इलायची, अरे मेरी बिरयानी चीखे मार रही है, बेयादियान बेयादियान वही वाला चूल्हा बंद कर दो, सेम थिंग। और ये चावल में डालना है, सिनेमन चावल में डालना है, और सिनेमन नहीं कहते, दालचीनी सिनेमन वो भी डाला है, तो वो थोड़ा सा अपने चावल में डालिए, और चावल में नमक डालिए, अगर आपके चावल इतने हैं तो आप उसमें एक टीस्पून नमक डालें, नहीं बल्कि एक टेबलस्पून डालें, आपा ने एक टेबलस्पून नमक डाला। अच्छा। और फिर उसके बाद आपा ने कहां से डाला, आपा ने मुझे बताया और मैंने डाला, आई स्वेयर कसम से, आप प्लीज झूठ नहीं समझना। मैंने पहले मैं शो पे धोखे से आया, पर मैंने बिरयानी बहुत दिल से बनाई, खाने की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास आ जाए, मेरे पास आए। यू रेडी एंड करा, कौन ले रहा है इसका क्लोज, आई स्वेयर, थैंक यू। सूरत बिरयानी की खूबसूरत सीरत जो है हम इसको थोड़ी देर बाद बताएंगे। अच्छा जी।